Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Now we discuss question number 10. इसके पहले दो क्वेश्चन बच रहे हैं, वो इनसे आगे आने वाली क्लास में हो जाएंगे. और आपको मैं बता दूं कि एक एग्जाम्पल लास्ट वाला, शायद एग्जाम्पल 21 है, उसको छोड़कर आप एग्जाम्पल सभी करें. एग्जाम्पल 21 मैं अपने से कराऊंगा, बाकी आपको अपने से करने हैं. ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं. देखिएगा क्या कहा है. इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बाई दिस वन एंड दिस वन, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेक्टर एरिया नहीं बोला है, सिंपल एरिया. तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट ए वेक्टर इक्वल टू आपका क्या है, आई प्लस टू जे प्लस टू के. ऐसे ही बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के. और क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी क्या होगा, वन बाई टू ए क्रॉस बी. याद करो अपन क्या लिखते थे, ए बी क्रॉस ए सी. वो ए बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए. अब उसके बाद में ध्यान दो, आप एक काम करिए, आप इसे ऐसा लिखने से अच्छा है कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके लिखेंगे. तो देखिए, आप एक काम करिए, इसे नंबर वन डाल दो, उसके बाद क्वेश्चन करो, है ना. तो ए क्रॉस बी हम कैसे करेंगे, आई जे के. और यहां पे क्या होगा, वन टू टू, और यहां थ्री माइनस टू वन. इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्स आई प्लस फाइव जे माइनस एट के. ठीक है, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लू, तो क्या मिलेगा, रूट में छह का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर प्लस माइनस आठ का स्क्वायर, यही होगा. और ये क्या होगा, रूट में छत्तीस प्लस पच्चीस प्लस चौसठ. अब इसे आप आगे सोल्व करिए और बताइए क्या आ रहा है आपका. देखिए उसके बाद क्या आएगा, ये आ रहा है वन टू फाइव, और इसको आप क्या लिख सकते हो, फाइव रूट फाइव. ठीक है, देख लो ना, सिक्स इलेवन फिफ्टीन फाइव, सही है, बिल्कुल फाइव रूट फाइव आया. तो अब क्या लिखेंगे, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में बताने का, तो केवल कैलकुलेशन है. और हल्का सा मुझे ये बताना था कि आपने ए बी और ए सी को ए वेक्टर और बी वेक्टर अज्यूम किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. देखिए अब ध्यान से, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी पुट इन फर्स्ट वी गेट वन बाई टू इंटू फाइव रूट फाइव. तो आप क्या लिख रहे होंगे, फाइव रूट फाइव अपॉन टू स्क्वायर यूनिट. इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है. आज के लिए इतना ही.